तो बिहार में चुनावी सरगर्मी सातवें आसमान पर है। वही इंडिया गठबंधन एवं एनडीए के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दूसरे के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को वो पढ़ते हैं, आखिर दूसरे से सवाल पूछते हैं, लेकिन अपने सवालों का जवाब क्या तेजस्वी के पास है। उन्होंने तेजस्वी यादव से तीखे सवाल पूछते हुए कहा है कि पहले तेजस्वी बताए कि बिहार में इन 15 सालों में उद्योग क्यों नहीं स्थापित हुआ, क्यों यहां से उद्योगों का पलायन हुआ, क्यों लोग बाहर नौकरी की तलाश में बाहर गए। आगे उन्होंने पूछा कि इनके 15 साल के राज में जिस तरह से नरसंहार, हत्या, अपहरण आदि हुआ करते थे, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। इनका फिर से उद्देश्य यही है कि बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाए। बिहार का जांच आज तक जो फलाफल, देखिए इनको मुद्दा नहीं है, जो लोग स्क्रिप्ट लिख के देता है वही पढ़ते हैं, ये तो बताएं, दूसरे से सवाल करते हैं लेकिन अपने सवालों का जवाब नहीं देती। आज बिहार के अंदर इनके माता पिता का 15 साल का वो जंगल राज में उद्योग धंधे क्यों बंद हुए, नए उद्योग कितना खुले ये तो बता दें, यहाँ के निवेशक पलायन के लिए क्यों विवश हुए, रोजगार का अवसर क्यों बंद हुआ, हमारे बच्चे पलायन क्यों किए, ये तो इनको बताना चाहिए। आज यहाँ नरसंहार जो हुआ था इनके रीजन में, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का जो माहौल बना था, बड़े नरसंहार का जांच आज तक जो फलाफल रिपोर्ट नहीं निकला ये तो बताना चाहिए। अवसर इनको भी मिला था 5-6 साल उप मुख्यमंत्री बनने का, सत्ता में रहने का, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ 15 साल उधर और 5-6 साल इधर, ये बता दें कि इनकी कौन सी उपलब्धि रही जिस पर बिहार की जनता गर्व कर सके। ये लोगों को जातीय उन्माद पैदा करने का, अपराधियों के जो जंगल राज का पुरोधा था उसको उम्मीदवार बनाने का, कहीं गोपालगंज में दारू माफिया को उम्मीदवार बनाएंगे तो कहीं मुंगेर जैसे जगह पर अपराधियों को उम्मीदवार बनाएंगे। पूरे बिहार के अंदर वैशाली हो या दरभंगा, कौन है उम्मीदवार, क्या सही सज्जन लोग, बिहार के अच्छे चरित्र वाले लोग नहीं मिलते हैं? अरे इनकी मानसिकता ये भ्रष्टाचारी और अपराधी मानसिकता है, और उसी भाव में बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जवाब दें तेजस्वी यादव जी, लंबी लंबी बातें करने से, अब्बर बोलेपन पिता की तरह करने से बिहार की छवि धूमिल हो रही है।